देखिए दोस्तों, मेरे पास ये 9 वाट का ड्राइवर सर्किट है। अब इसको हम रिपेयर करेंगे। जो भी दोस्तों इसमें फॉल्ट आएगा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमारा क्या फॉल्ट है। तो देखिए, हमारा एलईडी बल्ब का ड्राइवर सर्किट है, वो भी 9 वाट का। अब देखिए, जब भी आप रिपेयर कर रहे हैं, यानी आप ड्राइवर सर्किट को रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले फिजिकली चेक करना है कुछ हमारा बर्न तो नहीं हुआ है। तो देखिए, फिजिकली जब भी आप चेक करेंगे तो आपको जो भी फॉल्ट है आप उसको तुरंत चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पर इसमें फिजिकल देखा जाए तो यहाँ पर जो कैपेसिटर का देखिए, यहाँ पर जो दोस्तों ऊपर का पन्निक था, यहाँ पर देखिए बर्न हो चुका है। कैपेसिटर पूरी तरह से देख सकते हैं, इसका कवर हट गया है। अब इसमें तो फॉल्ट मुझे यही दिख रहा है एक, तो अब हमको इसको टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हमारा है। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना है कि मल्टीमीटर लेना है यहाँ पर सबसे पहले, और मल्टीमीटर को हमको डीसी के रेंज में सेट कर लेना है। सबसे पहले आपको डीसी 1000 के रेंज में सेट करना है, और देखिए यहाँ से हमको प्लगिंग करना है, यानी यहाँ से हमको प्लग को जो भी दोस्तों इसमें हम वायर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ पर मैं चिमटी के माध्यम से यहाँ पर लगा ले रहा हूँ। अब देखिए, लगाने के बाद हम क्या करेंगे, जो प्लग है दोस्तों इसको मैं सीरीज बोर्ड में लगाऊंगा। देखिए, सीरीज बोर्ड से ही टेस्ट किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा दोस्तों पास से आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए, आपको मल्टीमीटर भी अच्छे से दिख रहा होगा और यहाँ पर सर्किट हमारा भी अच्छे से दिख रहा होगा। ये इसको दोस्तों मैं प्लग में लगाता हूँ सीरीज बोर्ड में, और यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर दिया। और यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एसी वोल्ट चेक कराता हूँ कि हमारा एसी वोल्ट आ रखना है। देखिए, मल्टीमीटर को हम 750 के रेंज में सेट कर लिए, और यहाँ पर देखिए हमारा एसी वोल्ट आ रहा है, देखिए 198। तो यहाँ से हमारा एक आ रहा है, और यहाँ पर देखिए हमारा एसी इनपुट हो रहा है। अब हम चेक कर लेते हैं डीसी कि हमारा डीसी आ रहा है कि नहीं। देखिए, हम ड्राइवर सर्किट से निकालते हैं और मैं आपके सामने उसको रिपेयर करने चल देता हूँ। जो भी इसमें फॉल्ट आता है मैं उसको रिपेयर करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमारा प्लस माइनस, यहाँ पर रेड प्लस, यहाँ पर माइनस। तो यहाँ पर देखिए हमारा आउटपुट नहीं आ रहा है, देख सकते हैं हमारा आउटपुट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो यहाँ से ट्रैक करते हैं, तो प्लस वाला दोस्तों हमारा यहाँ से आया है डायरेक्ट, और यहाँ से माइनस वाला देखते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पर तो हमारा कोई भी वोल्टेज नहीं सो रहा है। यहाँ आप देखते हैं, यहाँ पर भी हमारा नहीं आ रहा है जो आउटपुट में दोस्तों वोल्टेज आना चाहिए। तो इसमें हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों जो वोल्टेज है हमारे बन नहीं रहे, यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, मैं सीरीज बोर्ड में इसको लगा दिया, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो हमारा कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा वोल्टेज नहीं बन रहा है। देखिए, यहाँ से तो हमारा एक डायरेक्ट आ रहा है, तो यहाँ से तो हमारा वोल्टेज आना चाहिए। देखिए, यहाँ पर नहीं आ रहा है। अब यहाँ से हमारा आउटपुट यहाँ पर आएगा इस कॉइल में, यहाँ से हमारा इनपुट होगा कॉइल में, और आउटपुट यहाँ से हमारा माइनस में कर रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा। अब यहाँ पर जो वोल्टेज दिखा रहे दोस्तों, ये वोल्टेज पर मत जाइए, अगर इसमें हम लगा देते हैं एमसीपीसीबी तो हमारा एमसीपीसीबी फ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर एसी वोल्ट भी आपको दिखाते हैं, देखिए एसी पर सेट कर लिए, और हमारा जो वोल्टेज है यहाँ पर मैं आपको वोल्टेज दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमारा एसी आ रहा है, और डीसी की बात करें तो हमारा डीसी नहीं आ रहा है। तो अगर हम एमसीपीसीबी मान लीजिए यहाँ पर हम कनेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आ रहा है वोल्टेज, और हमारा यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा एमओबी लगा है, यहाँ पर देखिए एमओबी लगा है। एमओबी को अगर मान लीजिए, देखिए आपके सामने दोस्तों मैं समझाता हूँ। देखिए, यहाँ से हमारा एक वोल्टेज जो प्लस से वो डायरेक्ट गया, और हमारा यहाँ पर आ रहा है, इस पर आ रहा है, लेकिन हमको यहाँ पर आउटपुट करना चाहिए, लेकिन इधर आ रहा है। अब देखिए, यहाँ से अगर हम ट्रैक करेंगे तो यहाँ पर हमारा एमओबी लगा है, और एमओबी हमारा जस्ट यहाँ पर है, एक लेग यहाँ पर, एक लेग यहाँ पर, यानी माइनस वाले पॉइंट पर। अगर इसको हम शॉर्ट कराते हैं तो एमसीपीसीबी हमारा तुरंत ही जल जाएगा, तो आपको नुकसान भी हो जाएगा। तो जो इसमें दोस्तों फॉल्ट है वो हमारा इस आईसी का फॉल्ट है, यानी जो फॉल्ट है वो हमारा जो आईसी और रेक्टिफायर दोनों लगाए। तो अगर आप इसको चेंज करते हैं तो हमारा ये 100% सही हो जाएगा। तो देखिए देखिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा, इसको रिपेयर करके आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में कि इसको हम कैसे बदलते हैं, और बदलते ही दोस्तों हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, यानी वेट करिए, आपको दोस्तों सब कुछ लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, वोल्टेज हमको इस पर मिलना चाहिए, यहाँ से हमारा इनपुट लिया, और यहाँ से हमको दोनों लेग से आउटपुट करेगा। तो यहाँ से माइनस हमारा डायरेक्ट, सॉरी दोस्तों, यहाँ से प्लस डायरेक्ट हो गया, और माइनस हमारा इस कॉइल के थ्रू
यहाँ पर आएगा, फिर आउटपुट हमारा यहाँ से करेगा। तो इस प्रकार से हमारा यह सर्किट काम करता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। और देखिए यहाँ पर जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर को मैं चेंज कर लूँगा, पहले वोल्टेज हमारा सही हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।